इस बार धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाले गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है, लेकिन गीता प्रेस ने कहा कि वो सम्मान लेने के लिए तो राजी हैं, पर सम्मान के साथ मिलने वाले 1 करोड़ की राशि स्वीकार नहीं कर सकते। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना नाथूराम गोडसे को सम्मान देने जैसा है। आखिर गांधी शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है और इसे गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने से कांग्रेस को दिक्कत क्या है, पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियोस सबसे पहले आपके पास आए इसीलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आते हैं खबर पर। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार की ओर से स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। साल 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के मौके पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र, एक कलाकृति, एक पट्टिका और 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। भारत सरकार ने साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। इस बार गीता प्रेस गोरखपुर को ये पुरस्कार दिया जाना है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से पुरस्कार का ऐलान होने के बाद गीता प्रेस के बोर्ड ने एक बैठक की। इस बैठक के बाद गीता प्रेस की ओर से ये कहा गया कि वो पुरस्कार के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करता है, लेकिन वो पैसों को स्वीकार नहीं कर सकता। बता दें कि गीता प्रेस लंबे वक्त से धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जाना जाता है। गीता प्रेस ने ये कहा है कि उनकी परंपरा रही है कि वो कभी किसी सम्मान या पुरस्कार को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि इस बार बोर्ड ने फैसला किया है कि परंपरा को तोड़ते हुए सम्मान को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन सम्मान राशि नहीं ली जाएगी। गांधी पुरस्कार वाले इस फैसले पर उपहास बताते हुए जयराम रमेश ने इसकी तुलना हिंदुत्व के विचारक वीडी सावरकर और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पुरस्कार देने से कर दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी रमेश के इस बयान पर पलटवार किया है। जयराम रमेश ने रविवार को ट्वीट कर लिखा था कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया गया है, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी मना रहा है। अक्षय मुकुल द्वारा इस संगठन की 2015 की एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी है, जिसमें वो महात्मा के साथ इसके तूफानी संबंधों और उनके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का पता लगाता है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का बयान आया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस को किसी भी हिंदू से सख्त नफरत है। हिंदू आतंकवाद से लेकर राम मंदिर का विरोध, भगवा आतंक, 26/11 के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराना और अब गीता प्रेस पर हमला। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।